तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, सभी हेल्थी भी होंगे एंड यस, आप सभी लोगों की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक चीज़, आप लोग प्रीवियस क्लास को सभी लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वन नाइट फाइट वाले क्वेश्चंस। यस, तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पर कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों को करने, बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस क्लास को प्लीज एक बार देख लीजिए, यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्त लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए, यहाँ पर वन नाइट फाइट वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो लास्ट में हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, वो हम करने वाले हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर देखते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। सेम प्रोसेस, ऑल राइट, जैसे प्रीवियस क्लास में चल रही थी। यस फ्रेंड्स, नाउ मूव टू द क्वेश्चन फर्स्ट, सॉरी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों का रहेगा। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का चैप्टर है, ठीक है। सॉरी, ये क्लास लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे सभी लोग इस क्लास को प्लीज एक बार देखिएगा, ठीक हो गया, इन्फॉर्म कर दीजिए। एक क्लास ही आप लोगों को सब कुछ करवा देगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। दोस्तों देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है इस क्लास में, देखिए थोड़े लेंथी, थोड़े बड़े ज्यादा क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बोर्ड में दिख जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास, ए इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 एंड बी इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 7। इस तरीके से आप लोगों को देखिए, ए बी सी कोई नंबर्स हैं, उनके आपको फैक्टर्स दे रखे हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे निकालना है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है, एक तरीके से ये क्लास आप लोगों की क्या रहेगी कि आप लोग जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, प्लीज एक बार इन चीजों पर भी फोकस करिए। ये क्वेश्चन आपके देखना कहीं ना कहीं आएंगे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपको पता लगेगा एक के बाद एक जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इन तीनों का एलसीएम निकाला है हमें। तो आप लोग को पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखिए फ्रेंड्स, कितने कितने नंबर है यहाँ पर, 2 3 5 7 सॉरी 2 3 5 एंड 11। इस ए बी सी में आप लोगों को 2 3 5 एंड 11 दिख रहे हैं, इसमें सबकी हाइस्ट पावर लिख लीजिए, वही आप लोगों का एलसीएम होता है। ये चीज तो मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को बहुत पहले ही बता दी है। तो यहां पर देखिए, हाइस्ट पावर 2 की पावर 5, 3 की हाइस्ट पावर 3 की पावर 3 एंड 5 की हाइस्ट पावर 5 की पावर 7 आई थिंक यहां पर देखिए, और 11 की हाइस्ट पावर सिर्फ 11 ही है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन तो हो चुका है। तो इसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं कभी कभी एचसीएफ भी पूछ सकता है कि इस तरीके से एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। तो दोस्तों देखिए, एचसीएफ कैसे निकालना है आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, और आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी आपको फैक्टर्स दे रखे थे हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आप सारे फैक्टर देखिए, उसमें तीनों में जो कॉमन हो और हाईएस्ट भी हो, कॉमन के साथ हाईएस्ट भी हो, वो नंबर लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो कॉमन, क्या 2 सब में है? यस है। तो 2 की पावर ऐसी कौन सी है जो सबके पास है, यहां पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से इन क्वेश्चन को प्लीज मत भूलिएगा, इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिए, क्वेश्चन आने वाला आप लोगों का। देखिए 3 भी सबके पास है, तो यस, लेकिन 3 की पावर सिर्फ 1 ही है सबके पास, ऑलराइट। 5 भी सबके पास है, लेकिन 5 का स्क्वायर है और सबके पास यहां पर। तो देखिए 2 स्क्वायर 3 एंड 5 स्क्वायर, यहां पर से हमारा आंसर इसका करेक्ट होता है। तो ये जल्दी से देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएफ। बढ़ते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आई थिंक देखिए, पहले ही क्वेश्चन ने आप लोगों को बता दिया होगा कि यहां पर हमें क्या पढ़ना है, आखिरी दिनों में हमें क्या पढ़ना है, देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर हमने पहले भी काफी क्लासेस ले ली है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं। आप लोगों को पता है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाले क्वेश्चंस हो गए, ये चीज आप लोगों को पता है। प्रीवियस क्लासेस देखिए, सारी प्रिपरेशन आप सभी लोगों को करवा रखी है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर से एक क्वेश्चन और है, प्लीज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज इन क्वेश्चन को कर लेना, आखिरी दिनों में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, ये हमारा 4000, ये कितने प्लेस बार टर्मिनेट होगा, ये रेशनल नंबर है, कितने प्लेस बार टर्मिनेट होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को चेक करिए, डिनोमिनेटर का फैक्टर करिए। दोस्तों देखिए, एक फैक्टर करने का बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को बताता हूं। देखिए, इसको स्प्लिट कर लीजिए 40 × 100 में। अब ये आपको पता है कितना होता है, 5 × 8, ऑल राइट। ये कितना हो सकता है, देखिए 10 × 10 कर लीजिए, ठीक है, या फिर 25 फोर्जा कर लीजिए, आप लोगों को पता है।
दोस्तों ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का क्यूब और ये हो गया 5। देखिए फ्रेंड्स 2 की पावर 5 हो गई यहां से एंड 5 की पावर 3 हो गई, तो दोनों में जो हाईएस्ट पावर है ये रेशनल नंबर उतने ही प्लेस बाद आप लोगों का टर्मिनेट हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को पता है, काफी अच्छे से बता रखी। तो आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 5 डेसिमल प्लेस, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा ये 5 डेसिमल प्लेस बाद ये रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। क्लासेस आप लोगों की ले रखी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स की क्लास भी हो चुकी हैं, सारे ही चैप्टर की क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को करा दिया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेस, जो ये आप लोगों की एक प्लेलिस्ट है YouTube पे मेरे चैनल पर द स्कॉलर्स हाउस पर, इसको चेक करिए, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, 40 out of 40 आप सभी लोग लेकर आएंगे। नाउ फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और बहुत मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, यस, इफ अल्फा एंड बीटा आर, तो देखिए मिक्स्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वन नाइट फाइट वाले क्वेश्चन है, तो फटाफट आपको अभी जाके इसके बाद और इसके एक और बार रिवीजन करना है और इन्फॉर्म कर देना अपने दोस्त लोगों को फिर। ठीक है, दोस्त लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉलीनोमियल को इस तरीके से पॉलीनोमियल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 4t, ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स प्लस 3। देखिए आपसे कह रहा है कि ये देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन पर भी आप लोगों को जोर देना है, इस टाइप के क्वेश्चन पर भी आप लोगों ने जब पहले भी कभी करे होंगे तो एक बार और करना है उनको। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगी आप लोगों की। देखिए फ्रेंड्स नहीं तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने कितने कर लिए हैं, ये हमारी पहली ही क्लास नहीं चल रही है, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी कर लिए। तो दोस्तों क्या करिए बताइए, बात यह है थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की बात है कि इसमें हम अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब जब कॉमन ले लेंगे तो आप लोगों को पता है यहाँ पर यहां अल्फा बचेगा और यहां बीटा बचेगा। ठीक हो गया, नाउ टू फाइंड, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को पहले ही पता जाना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा तो हमें निकालना ही पड़ता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा दोस्तों, देखिए ये क्लास आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, मुझे तो लग रहा है। ठीक हो गया, सब कुछ इंटरेस्टिंग है बट शायद मार्कर का मूड नहीं है यहां पर चलने का। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हमको दिख रहा है, आई थिंक सभी कुछ हम लोगों को दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो आप लोग तो इतने तेज हैं, इतनी प्रैक्टिस हो गई बिना देखे आप बता देंगे कि यहां पर क्या आएगा, तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस और ये देखिए, और नीचे तो 1 ही है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू राइट। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या होता है, सी अपॉन ए, तो 3 अपॉन ये, तो 3 पुट कीजिए, देखिए अल्फा बीटा 3 है तो 3 का क्यूब, देखिए फ्रेंड्स इतना लिखाने का मन तो नहीं कर रहा आप लोगों को, सीधे मन कर रहा सीधे ही आप लोगों को बता दूं ऐसे ही, तो ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबल, तो लेकिन आप लोग कर सकते हैं अपने एग्जाम में क्योंकि इतना बड़ा तो है नहीं कुछ। लीजिए सेम, देखिए इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, इस क्वेश्चन पर प्लीज एक नजर अपनी रखिएगा, इस क्वेश्चन पर ऐसे ही काफी क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं, क्लासेस सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए तो यहां पर देखिए 27 4 आप लोगों को पता है 180 होता है, नहीं टेबल पता है तो प्लीज आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, देखिए फ्रेंड्स कितनी फास्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखिए फ्रेंड्स क्यों करा रहा हूं मैं ऐसे क्वेश्चंस, क्या रीजन है ऐसे क्वेश्चंस कराने का, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को रिमाइंड करना है, ठीक है रिमाइंड करना है, याद करना है आप लोगों की, यार ये क्वेश्चन है अभी हमारे सिलेबस में, ठीक है ये क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में या आरडी शर्मा में कहीं भी है लेकिन ये क्वेश्चन है आप लोगों के सिलेबस, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन को। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से देखिए अंडर रूट 2 एंड 1/3 ये दो जीरो से आप लोग से पूछ रहा है, इससे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जनरेट कीजिए, लोग कर लीजिए कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आप लोगों को एक बताया था कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड एक के कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा सबको, यहां पर एक्स, देखिए ज्यादा जगह नहीं है हमारे पास, चलो कोई नहीं बहुत जगह, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए फ्रेंड्स दो चीज दे रखी, ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर अंडर रूट 2 कॉमा 1/3, इट मींस रिस्पेक्टिवली भी कह रहा है, इसका मतलब ये क्या है सम ऑफ जीरोस, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, रख लीजिए इसको यहां, कोई बड़ी बात तो नहीं है, पहली बार तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे ही आप लोगों की प्रिपरेशन भी चल रही है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है अंडर रूट 2 और ये एक्स प्लस 1/3। अब आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूं यहां पर, कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन का तो कहना है भैया कुछ भी कह सकता है, आप लोग क्या कर सकते हैं कभी कभी, देखिए के तो नहीं होगा लेकिन इसको एक चीज और, इसमें एक चीज और हो रही होगी वो आप लोगों को बता देता हूं। देखिए यहां पर एक कॉन्स्टेंट पर फ्रैक्शन पार्ट है, इस फ्रैक्शन पार्ट को हटाने के लिए इसके देखिए सब में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, कभी कभी ऐसे भी आप लोगों को मिला होगा, मिलेगा ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इस तरीके से
चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप लोग ऑप्शन देखिएगा, ठीक है? कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। तो जो लोग भी प्लीज इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना है, 4 तारीख तक अपडेट आप सभी लोगों को मिलते रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, बहुत मेहनत लगी है इस पेपर को बनाने में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th, यस एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कह रहा है अल्फा एंड बीटा। मैं नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि आप लोगों को जब क्वेश्चन दिया है तो लिख के टाइम वेस्ट होने वाला है। अल्फा बीटा ये पॉलिनोमियल का एक जीरोस है, अल्फा एंड बीटा। आप लोगों से कह रहा है अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए। तो दोस्तों चलिए, क्या नहीं निकाल सकते बताइए, क्या आप लोग निकाल नहीं सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं भैया? कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है आप लोगों को, सॉरी, इसको निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कहाँ आएगा भाई, ये तो कभी किसी ना सम में होता है, ना सम ऑफ जीरोस में कभी ऐसा आता है हमारे पास, ना ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है। तो ये क्या करेंगे आप लोग, देखिए आप लोगों को सिंपली पता है, यहाँ पर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा, तो आप लोग कुछ थोड़ा चाहिए, ये निकालना है तो मतलब ये चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पर देखिए, माइनस का, ये तो पूरा हमारे पास जो कहते हैं कि वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का बी अपॉन ए इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। देखिए इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि देखो बहुत शॉर्ट चल रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, चलो अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप लोगों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। 2 अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए होता है, ये देखिए सी अपॉन ए, ठीक हो गया दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, इसको यहाँ लाइए। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आगे माइनस 2c अपॉन ए, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, बच्चा बच्चा कर लेगा इसको, बी स्क्वायर, सॉरी। देखिए क्यों करा रहा हूँ क्वेश्चन, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की कोई इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हो रहा है। ए टू ए कितना, माइनस का 2ac, तो बस यही आंसर होगा, इसी फॉर्म में होगा, प्लीज एक बार देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, क्या पता सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही छपा का छपा आ गया, बिल्कुल यही क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग क्या याद नहीं कर सकते बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a, कि हाँ यही, सॉरी 2a नहीं ए स्क्वायर, यही हमको सर ने बताया था। तो क्या पता डायरेक्ट आप लोग, ऐसा हो सकता है आप लोगों का वहाँ पर माइंड एकदम फ्रेश हो, बिल्कुल खुल जाए, बिल्कुल माइंड आप लोगों का सीधे क्लिक हो जाए आपके माइंड में कि हाँ ये क्वेश्चन सर ने कराया तो था, देखो अब आ भी गया है और जल्दी से हो भी जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5th था, मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है, हम लोगों को प्रिपरेशन कर रहे हैं हम काफी अच्छी, एग्जाम के आखिरी दिनों में प्लीज सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इतनी फास्ट कैसे, देखिए फास्ट के साथ साथ एक्यूरेसी जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतनी फास्ट करिए कि एक्यूरेसी भी अच्छी हो आप लोग, मतलब सही भी हो क्वेश्चन, बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक हो गया, आई थिंक आंसर हमारा तो ठीक ही है। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं मजे से। आइए दोस्तों, आइए जल्दी आइए, सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए एक बार और क्लास में। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फॉर द वैल्यू ऑफ m, देखिए m की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए मैं क्यों करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को फिर से, देखते हैं यार क्या आ गया इस क्वेश्चन में, ऐसा क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन दोबारा से, सर क्यों करा रहे हैं आखिर। देखिए आप लोगों का कुछ नहीं, बस एक रिविजन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर रिविजन हो रहा है कि वन नाइट फाइट करो। देखिए वैसे ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप लोग ऐसा मत समझिए कि वन नाइट में ही सब कुछ हो जाता है, तो आज जिन लोगों ने पहले से भी थोड़ा पढ़ा हुआ है वो लोग भी, ठीक है, उन लोगों के लिए काफी अच्छी क्लास है क्योंकि स्कोर ज्यादा कर सकते हैं आप सभी लोग, 35+ भी आप लोगों के आ सकते हैं, ये तो मानी भी बात है, आप सभी लोगों को पता भी है यहाँ पर। देखो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 वेरिएबल, सॉरी 2 इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन की, इसमें एक केस है, कंडीशन है कि ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आप लोगों को एक इक्वेशन दे रहा है। तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 upon a2 = b1 by b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, ठीक हो गया, ये चीज आप लोग पता है, इन्फिनिटी है, कोइंसिडेंट का केस होता है, ठीक है, कोइंसिडेंट का केस होता है, आप सभी लोगों को पता है, कंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी होता है, साथ ही साथ आप लोगों का क्या होता है आप मुझे बता सकते हैं, क्या होता है बताइए इसमें, चलिए बताते हैं, इसके बाद पहले इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें कोई भी दो को, देखिए आप लोगों को पता है कि ये एक्स है, ये एक्स का कोएफिशिएंट, ये भी एक्स का, ये वाई का, ये वाई का, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, सही हो गया, सबको समझ में आ गया। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको बराबर कर देता हूँ, -5/-2, क्योंकि यहां पर a1x + b1y + c1,
और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू होता है, आप लोगों को पता है। ये देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ चलेगा टू टू जा फोर, टू वन जा टू, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। तो यहाँ से मैं अगर इसको निकालूँ फटाफट से, झटपट से निकालूँ, तो m की वैल्यू 17/4 जो कि हमारी यस करेक्ट है 17/4। ऑल राइट, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए यहाँ पर m की वैल्यू भी आ गई, तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स कोइंसिडेंट लाइन, यस इसमें कोइंसिडेंट लाइन भी बनती है आप लोगों की, आपको पता होगा, ठीक हो गया दोस्तों। चलिए और इन्फिनिटी मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन फिर से। देखिए फ्रेंड्स इन द फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू 3/5 एंड पी आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर फाइंड पी टी। ज्यादा फास्ट तो मैं नहीं चल रहा हूं आई थिंक, क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ के आए हैं सभी लोग, ठीक हो गया। ये देखिए चलिए यहां पर लिख लेते हैं पी, ये क्वेश्चन दे रखा आप लोग क्यू आर। फ्रेंड्स देखिए ये इसके पैरेलल है तभी आपको पता है यहाँ पर थ्योरम लगती है। आप लोगों को एक चीज गिवन है कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा आवाज आ रही है बाहर से आई थिंक। तो यहाँ पर देखिए 3/5 आई थिंक आप लोगों को आ रही होगी आवाज, चलिए अवॉइड कीजिए उस चीज को, इग्नोर कीजिए यहाँ पर और सीधे पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू 3/5 यस एंड पी आर इक्वल टू कितना 28 सेंटीमीटर, ये चीज गिवन है आप लोगों को, ठीक हो गया। आप लोगों से पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पीटी, यस। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए आप लोगों को ये पी आर दे रखा है आपसे, अरे सॉरी यहाँ पर पी टी एस टी, एस टी हो गया, ठीक है। आप लोगों से पूछ रहा है पीटी निकालिए, यहाँ पर क्या निकालना है आप लोगों को पीटी। चलिए तो दोस्तों देखिए यहां पर पीटी निकालना है, आइए जल्दी आइए जुड़ जाइए, पी एस अपॉन एस क्यू, बहुत अच्छी बात है। देखिए पी एस और एस क्यू का रेशियो दे रखा है, पी आर इक्वल 28 सेंटीमीटर, पीटी आप लोगों को निकालना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। तो आई थिंक आप सभी लोग अब मेरे ख्याल से तो इस ब्लैक मार्कर को देखते देखते बोर हो गए, चलिए अब आते हैं ब्लू मार्कर की तरफ, देखते हैं कितना साथ देता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है, जल्दी से आइए यहां पर देखिए फ्रेंड्स पीटी, मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखा है। देखिए फ्रेंड्स ये पीटी निकालना कह रहा है और यहाँ पर पी आर दे रखा है, तो आप लोगों को क्या ये नहीं पता है क्या, सर ने हमें एक चीज और बताई थी जिन लोगों ने क्लास देखी होगी, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन कितना पी आर। मजा आ गया, देखिए सर मजा आ गया। तो पी एस अपॉन पी क्यू, अब देखिए फ्रेंड पी क्यू क्या होगा, देखिए ये 3 है तो 5 है, तो पूरा पी क्यू क्या होगा आप लोगों को पता है, ये कितना हो जाएगा पूरा 8 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपको निकालना है पी टी और ये कितना दे रखा है आप लोगों को 28 दे रखा है, बस कर लीजिए। तो देखिए 3/ पी क्यू कितना हो गया 8, पी टी यू हैव टू फाइंड दिस पी टी एंड इज 28 सॉरी पी आर, ठीक हो गया फ्रेंड्स। देखिए 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21। तो यहां से देखिए पी टी कितना आ गया 21/2, इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर क्या पता ऑप्शन में अगर ऐसा ही दिया हो तब तो सही है, ये भी नहीं है, ये भी बोर हो रहा है हमारे, देखिए इसके बस की भी नहीं है, ये भी नहीं चल रहा है, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से हमारा 10.5 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा, ये नहीं तो ये तो होगा ही होगा। एक बार चेक कर लेता हूं आप सभी लोगों को क्या इस ब्लू मार्कर से आप लोगों को दिख रहा है, ठीक हो गया, चलो कोई परेशानी नहीं है इस ब्लू मार्कर को यहां पर। चलिए तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों का आ गया पीटी इक्वल टू कितना, पीटी इक्वल टू कितना, देखिए फ्रेंड्स सारी क्लासेस देख लीजिए आप लोग, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, और क्या क्या चीजें होती हैं ये देख लीजिए, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन आर टी या टी आर, ये सब कुछ भी होता है। और एक चीज और होता है पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर इक्वल टू एस टी अपॉन देख लीजिए क्यू आर। तो ये चीज तो मैंने कम से कम 3 से 4 5 बार तो आप लोगों को बता दी होगी, ठीक है, जब जब भी मैंने आपको क्लास ले रखी ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक हो गया। चलिए फ्रेंड्स तो देखिए इतना तो आप लोगों का होता है, तो इसका आंसर 10.5 सेंटीमीटर करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन हो चुका है, अब देखिए फ्रेंड्स इसी ही स्पीड में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक हो गया फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आइए फ्रेंड्स देखिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। लो जी अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए प्लीज इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था, अब देखिए क्वेश्चन कैसा है देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड्स
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल है, कह रहा है पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखना कोई फायदा है नहीं। चलो ये ए बी सी क्या है, सिमिलर है किसके, पी क्यू एंड आर के। दोस्तों देखिए, आप लोगों से कह रहा है बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए आप लोगों को बी सी अपॉन दिस क्यू आर का रेशियो आप सभी लोगों को दे रखा है 1/3, ठीक है। दोस्तों देखिए, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू अपॉन बी सी ए, ठीक है। पी आर क्यू, पी आर क्यू देखिए आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए, क्या बताइए यार। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग स्क्वायर का प्रोपोर्शन होता है, ये चीज आप लोग को पता है। लेकिन अगर देखिए ध्यान से देखना है, चलिए यहाँ पर जो दे रखा है उसको देखते हैं। देखिए इसके कायदे के हिसाब से ये क्यू आर का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए था अपॉन कितना, बी सी, बी सी, ये देखिए। चलिए तो लेकिन यहां पर हमें क्या दे रखा, उल्टा दे रखा है, देखिए बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पर्सन, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे। प्लीज ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को देख लीजिए। ऑप्शन बताता हूं आप लोग कैसे मिलेंगे। देखिए ऑप्शन आप लोग के रहेंगे 1/9, 1/3, 9/1 एंड 3/1। देखिए बच्चे कहेंगे यार ये तो वाला ही क्वेश्चन है, कैसा वाला, सीधे स्क्वायर कर लो और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ने अगर इसका आंसर सीधे 1/3 का स्क्वायर 1/9 लिख दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा आप सभी लोगों का, ठीक हो गया। तो प्लीज एग्जामिनर आपसे ज्यादा तेज है, क्वेश्चन कैसे बदल ले रहा देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर है, लेकिन वहां पर क्यू आर अपॉन बी सी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, रेसिप्रोकल कर लेता हूँ क्यू आर अपॉन बी सी, और उसको भी करना पड़ेगा। लीजिए तो ये कितना आ गया, देखिए 3/1, तो यहाँ पर से देख लिया आप लोग, ठीक है। सभी लोग देख लीजिए इसको, सभी लोग देखिए 9/1 या फिर 9:1 कुछ भी कह सकता है, दोनों में से जो भी होगा आप लोग टिक लगाएंगे, ठीक हो गया, या फिर 9। आई थिंक ये सभी क्लास, सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एंजॉय कीजिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, पेपर जल्दी हो जाएंगे आप लोगों के और अच्छे होंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो 7-8 हो गए, चलिए चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर फिर से। तो इस क्लास को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास आप लोगों के लिए, ठीक हो गया फ्रेंड्स। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, चलिए तो मजा आ रहा होगा सबको। नाउ फ्रेंड्स देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को चले क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, एक क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से पूछ रहा है एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3, कैसे करेंगे चले देखते हैं। हाँ कौन करेगा, चलो मैं कर लेता हूं। देखो फ्रेंड्स यहां से देखिए आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, चलिए जो पूछा है इसके बारे में लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स उस साइड जो आप लोगों को लोगों से पूछा गया है, आप इसको यहां लिख लीजिए, ये कॉस क्यूब थीटा हो गया। और आप देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखना आप सभी लोग, ठीक है, और ये इसको यहां लिख लीजिए, ये हो गया साइन क्यूब थीटा हो गया। अब आप लोगों से क्या कह रखा, देखिए यहां पर आप लोगों को देखा कि एक्स अपॉन ए की पावर, तो एक्स अपॉन ए क्या है, कॉस क्यूब थीटा ही तो है, इसकी पावर कितनी है 2/3 प्लस आपसे क्या है दूसरा वाई अपॉन बी जो कि कितना है साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। देखिए मैं क्यों करा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कॉस क्यूब थीटा कैसे बना होगा, कॉस थीटा का होल क्यूब करके, तो इसका मतलब मैं इसको इससे काट सकता हूं, ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसी की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई थी, तो आंसर कितना आ गया 1। चलिए फ्रेंड्स मजा आ रहा होगा, देखिए आज तक के क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक शायद नहीं किए होंगे, देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन है, साइन क्यूब थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ लेते हैं 10वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये भी, देखिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे दिख रहे होंगे क्वेश्चन, प्लीज सभी लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th है, ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अच्छे से कराने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स इफ 5 tan alpha = 4, ठीक है। दोस्तों देखिए आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पर कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन के तो दो तरीके हैं, लेकिन इसको एक तरीके से मैं कराऊंगा, उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे अपने एग्जाम में भी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं इसको टेन अल्फा इक्वल टू 4/5 लिखता हूं, ऑलराइट, ये चीज समझ में आ गई सबको, चलिए ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप मुझे बताइए, इसमें देखिए मैंने आप लोगों को बताया इसको आप कैसे कर सकते हैं, आई थिंक आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ऐसे, अल्फा मान लीजिए ये 4 हो गया, ऐसे करके 5 हो गया, इस तरीके से
ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका सिंपल तरीका इसका क्या है, बहुत अच्छे से बताऊंगा ठीक है। टेंथ ठीक है, देखिए आइए क्या करते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, इसको आपको यहां 10 बनाना है। देखिए ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट, ये हो गया डिनोमिनेटर पार्ट। इसमें अगर कॉस अल्फा का डिवाइड करते हैं, देखिए 5 साइन अल्फा, ऊपर भी कॉस अल्फा का डिवाइड, नीचे भी कॉस अल्फा का डिवाइड। डिवाइड से मतलब है कि इस पूर्व में डिवाइड करना है, ऊपर भी अलग से, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा डिवाइड। जब इसमें डिवाइड होगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा, तो सीधा आंसर आ जाएगा 5 टेन अल्फा, और उसमें डिवाइड होगा कॉस का तो 3 हो जाएगा, कट जाएगा कॉस कॉस, ऐसे ही 5 टेन अल्फा, और देखिए कितना जाएगा 2 जाएगा। बस टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5, ठीक है कितनी है 4/5। तो देखिए फ्रेंड्स अब ऑलराइट, देखिए कट गया ऊपर ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना आ गया 1/6 आंसर आ गया आप लोगों का ठीक हो गया फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए हमें कर लिया इसको भी, इतनी जल्दी हम लोग कर ले रहे हैं इस क्लास को। प्लीज सभी लोग, आप सभी लोग देखिए इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज देख लीजिए इन क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, मजा आने वाला देखिए क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों आओ देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों का। फिर से एक क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए आपके एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछना है ठीक है। तो एग्जामिनर को ये क्वेश्चन, तो प्लीज देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों के लिए लेकर ही आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स बात ये है कि आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर, कि आप लोग ये मत समझिए कि हमारा ये क्वेश्चन अभी सफिशियंट हो गए हैं, एक क्लास में आप लोगों के लिए और ले लूंगा ठीक है, जिससे कि आपका वीडियो भी शॉर्ट रहेगा, आप लोगों को देखने में भी इंटरेस्ट आएगा ठीक है। आई थिंक आ ही रहा होगा सभी लोगों को इंटरेस्ट, इतना बोरिंग तो है नहीं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के साथ साथ। देखिए अब लास्ट टाइम में थोड़ी मेहनत आप सभी लोगों को करनी ही पड़ेगी, कम से कम देख लीजिए ठीक हो गया फ्रेंड्स। 10वां हो गया था आई थिंक, नाउ वी आर गोइंग टू 11th ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलने वाला है, सेक्शन बी में ठीक हो गया फ्रेंड्स। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो है किसी लाइन को डिवाइड कर रही है, किस वो इस लाइन के पॉइंट क्या है आप लोगों को बताइए, उस लाइन के पॉइंट आप लोगों के एक है 3, -1, द सेकेंड वन इज 8, 9। आप लोग देखिए क्या है ना, कुछ नहीं बस एक लाइन आ रही है ऐसे करके, ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसमें ये x कॉमा वाई हमें निकालना क्या है, किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं ठीक हो गया, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये लाइन। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इसमें दो कॉर्ड, इस पॉइंट पर मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और मान लीजिए के रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए सिंपल क्वेश्चन निकालिए, एक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स इक्वल टू ये एम होता है ये एन होता है, तो एम एक्स वन वाई वन एक्स टू, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन थ्री ठीक है अपॉन एम प्लस एन कितना के प्लस वन, सही है यहां तक। चलिए ऐसी वाई इक्वल टू, इसको कुछ मत कीजिए, देखिए 8k+3 हो गया है अपॉन ये कितना हो गया k+1 हो गया ठीक हो गया। सेम एज इट इज y इक्वल टू एम वाई टू, तो m x1 y1 x2 y2 9k लीजिए ठीक है, एम वाई टू प्लस प्लस एन वाई वन, तो n क्या 1 और ये देखिए माइनस का साइन, तो n y1, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा इतना आएगा बस, और k+1। अब क्या कीजिए फ्रेंड्स, ये एक्स और वाई की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा ठीक है, वहां से के की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखिए मैं रख लेता हूं, तो एक्स माइनस वाई था तो पहले ये आएगा 8k+3 अपॉन k+1 ठीक है, माइनस कितना है 9k-1 अपॉन, इसको बैग में लिख लीजिए आप लोग, k+1 इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स ये -2 आने वाला है यहां पर, तो मैं उसको उधर भेज देता हूं, ये 2 हो गया। नीचे आप लोगों का एलसीएम में k+1 ही आने वाला है, सभी लोगों को पता है, तो यहां पर 8k+3 -9k। अब दोस्तों देखिए ये माइनस माइनस प्लस ये बहुत जरूरी है, यही पर ही बच्चा आधे ज्यादा बच्चे की सट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि यहां पर वो नहीं कर पाता कि जल्दीबाजी में क्या कर देगा, 9k+9k-1 ही रख देगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पूरा आंसर ही खत्म ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फिर क्या आएगा, कैसे नहीं आया और बच्चों कैसे आ गया, तो देखिए मैं ये देखिए इसको माइनस कीजिए, 8k-9 कितना होगा माइनस का के, ऊपर आ देखिए प्लस का 4, इसको यहां लीजिए 2k+2
सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। इसको यहां ले जाइए, देखिए ये 3k, इसको यहां ले जाइए तो 2 इक्वल टू और k इक्वल टू 2 अपॉन 3, इसका मतलब k की वैल्यू 2 अपॉन 3 और ये होता यही तो है k रेशियो 1, तो 2 अपॉन 3 है, तो यहां से आप लोगों को मिल गई 2 रेशियो 3 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स, 2 रेशियो 3, क्लियर है सबको। चलिए फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, काफी मजेदार था और काफी जल्दी जल्दी हम लोगों ने कर लिया है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी लोगों को यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स आप लोगों के सामने एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, फिर हम देखिए बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए और लेके आएंगे, ऐसे ही 12 क्वेश्चन और ले आऊंगा अगले दिन। इन क्लास को प्लीज आप देखिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को एक क्लास कैसी लग रही है, उस हिसाब से हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए अब आपको देखिए क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और कराता हूँ यहाँ पर, देखिए दोस्तों इस तरीका, तो बताइए बताना मुझे ये क्वेश्चन आपको कैसा लगेगा, ठीक है। देखिए के की वैल्यू 2/3, 2:3 आ गया। चलिए फ्रेंड्स दोस्तों मजा आ रहा होगा आई थिंक आप सभी लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मैं लाया था कि मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा दोस्तों, तो अगली क्लास में और अच्छे से आएंगे दूसरी एनर्जी के साथ, फिर से बिल्कुल सेम एनर्जी, ठीक हो गया फ्रेंड्स, इससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ आएंगे आप लोगों के साथ फिर से, ठीक है। द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पैरामीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 23:22। If the path is 5 meter wide, the diameter of the inner circle is, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं इसलिए ला रहा हूँ, इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको, सर्कुलर रिंग जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, इस सर्कुलर रिंग जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, ठीक हो गया। आप लोगों को पता है शेडेड रीजन हो गया आप लोगों का, इन सर्कल हो गया, इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया, और ये सारी चीजें जितनी भी आप लोगों की, प्लीज इन चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जब ये जो सर्कुलर रिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें आउटर होता है इनर होता है, यहाँ पर हमारा पाथ होता है, ये क्या है पाथ है हमारा, ठीक है, मतलब रास्ता है, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों देखिए आपको पाथ की लेंथ दे रखी है 5 मीटर वाइड है, ठीक है, ये कितना है 5 मीटर वाइड है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ और बताता भी क्या हूँ, आप सभी लोगों को पता होगा आई थिंक, मान लीजिए ये छोटा वाला R1 है, ये बड़ा वाला रेडियस R2। पाथ की लेंथ कैसे निकलेगी, R2 - R1 = 5, सभी को क्लियर है, R2 - R1 = 5, ये पाथ की लेंथ निकल जाएगी, ये सभी लोगों को पता है और जो कि दे रखी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़िए कि रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर, तो आउटर का देखिए रेडियस R2 है, इनर का रेडियस R1 है, और इनके सर्कमफेरेंस जैसे पैरामीटर जो भी है उनका रेशियो दे रखा है 2π R2 / 2π R1, इनका रेशियो कितना है 23/22, ठीक है दोस्तों, 2π से 2π कैंसिल, तो यहां से देखिए R2 = 23 R1/22, ठीक हो गया, ये यहां चलेगा। देखिए बहुत एक स्टेप आप लोग ऐसे ही करेंगे, एक स्टेप मिस करके अगला स्टेप में आ जाएंगे सीधे, तो R2 = 23 R1/22, इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा 23 R1/22 - ये R1/1 के लीजिए, इसको 5 यहां लिख दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे आप लोग, ये 22 हो गया, ये 23 R1, आप लोगों से जो पूछा है वही निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 22 R1 हो गया और = 5, तो यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो R1 = ये आ गया 110, लेकिन आप लोगों से पूछा है कि इसका डायमीटर निकालिए, तो रेडियस का दुगना ही डायमीटर होता है, सो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 2 times कर लीजिए 220। बताइए फ्रेंड्स मजा आ गया क्लास में, देखिए फ्रेंड्स इसी तरह की क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, देख लीजिए एक बार सभी लोग इसको, इन क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों देख लीजिए एक बार सभी लोग इसको, तो इनर सर्कल का डायमीटर आप लोगों को निकालना था। तो दोस्तों देखिए ये क्लास है आप लोगों की जो 1 night fight वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था, तो इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोगों के साथ, सभी को 40 out of 40 लाने हैं फ्रेंड्स। देखिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, प्रीवियस क्लासेस को प्लीज सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, वहां पर मैंने आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा रखे हैं, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन हैं आप लोगों के, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फॉर्मूले की प्लेलिस्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर, शॉर्ट ट्रिक्स हैं आप लोगों को पता है, काफी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हैं, 3 से 4 लेक्चर आप लोगों की शॉर्ट ट्रिक्स से ही ले रखिए। और देखिए फ्रेंड्स एक क्लास ऐसा नहीं है हर चैप्टर में, इसमें हमारे पास MCQs नहीं थे, इसमें ऑप्शंस नहीं थे, तो डायरेक्ट कर दिया मैं इसमें ऑप्शन की, देखिए इसमें कोई ट्रिक भी नहीं थी इसलिए मैंने ऑप्शन भी नहीं लाया, ठीक हो गया फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी प्रीवियस क्लास है उनको प्लीज आप सभी लोग सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट दिनों में आपको ये क्लास देखनी जरूरी है। लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम देखना फ्रेंड्स, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी लोग उस क्लास को एक बार प्लीज एक बार देख लीजिए, आप सभी लोगों को मजा आ जाएगा। क्विक रिविजन भी आप सभी लोगों को करवा दी है, ये सारी चीजें अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, तो अपने दोस्त लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग पहुंचा दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को एंड करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।